श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। तर्क और कुतर्क, इसके कारण हम अपने आप को परेशान करते हैं। जैसे हमने अपने आप को देह मान के रखा है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, लेकिन जब हमको बताया जाता है कि आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो तो हम प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने ही है तो दोनों जगह पूछो, एक जगह क्यों? यही बंधन है जीवन का और इससे हमको अपने आप को बचाना है और हमको कोई मदद नहीं कर सकता इसके लिए। इसके लिए सरल बात यह है कि देहात्म भाव जब तक है तभी तक यह संसार है। और ये देहात्म भाव देह में नहीं है, देह नहीं कहता कि मैं देह हूँ, ये तो मन कहता है कि मैं देह हूँ। देखो, जैसे एक बार हमारे पैर के बड़ी उंगली का ऑपरेशन हो रहा था तो डॉक्टर ने कहा कि हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे और उसमें सब ठीक हो जाएगा और आप देख भी सकते हो। तो एनेस्थीसिया लोकल होने के बाद उन्हें बोले कि आप देखो, अब उन्होंने काट कूट शुरू करी तो उसमें से खून निकल रहा है, सब कुछ हम देख रहे हैं। तो ना तो देह को दर्द हो रहा था ना तो मुझे हो रहा था। तो ये जो सुख दुख का संसार है ये कहाँ है? ना तो ये देह में है ना तो ये प्रकृति में है, पंच महाभूतों में है, ना तो ये परमात्मा में है। ये सब का सब केवल अपने मन का ही खेल है। देखो संतो, तो यदि मन ने अपने को देह मान करके मैं सुखी मैं दुखी मैं स्त्री मैं पुरुष इन चीज़ों में उलझा हुआ है, तो जब तक के इस मन की इस बात को हम ठिकाने पर नहीं लगाएंगे तब तक के यह चक्कर चलता ही रहेगा। इसीलिए केवल ये कहने से मात्र नहीं होगा कि सुषुप्ति अवस्था में भी निर्विकल्प समाधि होती है, दो विचारों के बीच में भी होती है, उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि उसमें निर्विकल्प ज्ञान जो है, निर्विकल्प ज्ञान माने जिस ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है, यह निर्विकल्प ज्ञान ही परम तत्व है और ये परम तत्व किसी का विरोधी नहीं है। ये प्रकाश को भी प्रकाशित करता है, अंधकार को भी प्रकाशित करता है। तो यह जो मैं देह हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इन चीज़ों को भी यह निर्विकल्प ज्ञान प्रकाशित करता है और इसीलिए ये इसका विरोधी नहीं होगा। देखो महाराज, तो यह जो ज्ञान है मैं सुखी दुखी स्त्री पुरुष इत्यादि, इस ज्ञान को काटने वाला इसके विरोधी ज्ञान चाहिए और वो विरोधी ज्ञान होगा सविकल्प, वो निर्विकल्प ज्ञान नहीं हो सकता। देखो, इसीलिए ध्यान की कक्षा में दो बातें हमको बताई जाती है कि पहले हम इसका अनुसंधान करें
कि हम जो अपने आप को समझते हैं, क्या समझ करके हम सुखी दुखी होते हैं, तो स्पष्ट पता चलेगा कि हमारे सुखी दुखी होने का कारण केवल हमने अपने आप को कुछ मान लिया है, जाना नहीं, माना है। तो हमने अपने आप को पति पत्नी भाई बहन इत्यादि मान लिया है। तो यदि ये व्यक्तित्व को हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया, कोई बात नहीं, फिर कंप्लेन मत करो। देखो, यदि हमने अपने आप को देह के रूप में मान लिया, जाना नहीं, माना ही है, जानेंगे तो इसका त्याग हो जाएगा। तो हमने अपने को देह माना है, तो फिर आपका रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, ये गारंटीड है, इससे आपको कोई नहीं बचा सकता। यदि आपने अपने को माना है जीव है, ये भी माना ही है, इधर की बात सुनी, उधर की बात सुनी, मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, तो कोई बात नहीं, मानो। तो फिर यदि जीव मानोगे तो फिर आपका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का गणित शुरू रहेगा, उससे आपको कोई बचा नहीं सकता। अब मानना ही तो है सब कुछ, हमने अपने आप को सुखी दुखी, भाग्यवान अभागी, पति पत्नी, अच्छे बुरे, माना ही है, स्त्री पुरुष, जवान बूढ़े, माना ही है, पापात्मा पुण्यात्मा, माना ही है। तो ये मानने की क्रिया आगे जारी रखो कि हम सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप है, मानो। तो जब हमने अपने आप को पति पत्नी माना है, उसके बाद यदि आदमी या स्त्री मानने लगेंगे तो अपने आप पति पत्नी का दुख समाप्त हो जाएगा। और यदि हमने अपने आप को जीव माना है तो स्त्री पुरुष के देह का दुख समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मरता देह है, जीव नहीं मरता। तो हम कर कुछ नहीं रहे, केवल चिंतन चल रहा है। इसी प्रकार से अपने आप को मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये मानना शुरू करें। इस मानने की प्रक्रिया को जब अखंड रखते हैं तब इसको निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन का अर्थ ध्यान नहीं, मेडिटेशन नहीं, कई लोग इसी में फंस जाते हैं। निधिध्यासन का तात्पर्य है इसी में 24 घंटे लगे हुए। निधिध्यासन की बात तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे लोभी आदमी को पैसा 24 घंटे उसकी सिवा दूसरा को सोचता ही नहीं, वो जहाँ भी जाएगा पैसे की बात सोचेगा, लाभ है हानि है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना परसेंटेज वापस आएगा, इसके परे वो जा ही नहीं सकता, उसका निधि ध्यासन है पैसे में। देखो, जो पेटू है वो 24 घंटे खाने की ही बात करेगा, उसी के बारे में सोचेगा, ब्रेकफास्ट खा रहे, हाँ लंच की क्या बनेगा, अरे इसको खा के जिंदा तो रहो, पता नहीं लंच तक जिंदा रहोगे मरोगे। ये जो निधिध्यासन है इसके द्वारा हम अपने आप को इस मार्ग पर से गिरने नहीं देते। और फिर ऐसा जो साधक है उसके लिए दो बातें बताई जा रही है। पहली बात तो ये है कि जो निषेधात्मक है, इस निषेधात्मक साधना को करने के लिए हमको अनेक प्रकार के व्रत, उपवास इत्यादि बताए जाते हैं। उसमें बताते हैं कि चातुर्मास में प्याज लहसुन मदिरा पान नॉन वेजिटेरियन इत्यादि नहीं खाना चाहिए, तो हम नहीं खाते, लेकिन उससे सीखते नहीं।
फिर ये 4 महीने नहीं खाए, जैसे आखिरी दिन खत्म हो गया 4 महीने का, तो दूसरे दिन फिर चाय में भी हम लहसुन और प्याज डालेंगे, क्योंकि 4 महीने का बदला निकालना है। तो ये करने के स्थान पर यदि ये सीखा कि 4 महीने हम इनके सिवा रह सकते हैं, इसीलिए इनकी हमारे रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए आवश्यकता नहीं। ये जो जगत के विषय वस्तु व्यक्ति, इन पर जो हमारा परावलंबन है, उससे छुटकारा पाना, ये पहला ध्यान का अभ्यास है। देखो हम कितनी वस्तुओं पर अवलंबित हैं। यदि अमुक नहीं हुआ तो नहीं हो सकता, तमुक नहीं हुआ तो नहीं हो सकता, और इसी के कारण हम परेशान रहते हैं। हम लोगों की जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो 5-स्टार स्पिरिचुअलिटी है। थोड़े बहुत भी कष्ट इधर उधर होए तो हमको एकदम मूड ऑफ हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कष्ट होते हैं, नो डाउट। इस दुनिया में कौन है कि जिसको परेशानी नहीं होती, मुर्दे को छोड़ करके। देखो तो ये परेशानी का कारण परावलंबन। तो पहली महत्व की बात आध्यात्मिक ध्यान की, कि जगत के विषय वस्तु व्यक्तियों से परावलंबन का त्याग कर दे। और उसके लिए क्या करना है, जितना हो सके अन्य से सेवा लेना बंद कर दे। देखो इसीलिए हम जो बताते हैं ना कि यदि पति पत्नी साथ साथ आ गए तो अलग अलग रहो, एक ही कमरे में रहेंगे और वही घर का जो संसार है वो यहीं आता है। मेरे टूथपेस्ट कहाँ है, मेरे ब्रश कहाँ है, मेरी चड्डी कहाँ है, मेरे कंघी कहाँ है, दो तो बाल है, कंघी की बात करते हैं। तो संसार कहाँ निवृत्त तो हो गया। देखो महाराज, अन्य से कोई भी सेवा नहीं लेना या कम से कम सेवा लेना, इसमें जब व्यक्ति लग जाता है तब हमने वास्तविक रूप से अध्यात्म में प्रवेश किया है। अब उसके पश्चात दूसरी बात, हमें आत्मविश्वास की कमी होती है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास के कमी का कारण है, हमने अपने ही ज्ञान का आदर नहीं किया है। हमारा ही ज्ञान हम जब तिरस्कृत करते हैं तो धीरे धीरे ज्ञान में, माने मन में, ये भाव जागृत हो जाता है, मैं नहीं कर सकता, मैंने सुबह उठने का बहुत प्रयत्न किया, मैं नहीं कर सकता, और यदि सुबह उठो ना तो फिर दिन भर परेशान रहता हूँ, मैंने क्यों नहीं हो सकता। देखो तो आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए अपने ज्ञान का आदर करना सीखे। देखो तो हमारा ज्ञान क्या है, हम जो जो निर्णय लेते हैं उसको जीवन में उतारने का 100% प्रयत्न करना चाहिए। उदाहरण के लिए, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये ज्ञान है, काम क्रोध लोभ ये नरक के दरवाजे है, इसीलिए इनका त्याग करना है। ज्ञान हो गया, अब इसको जीवन में उतारा क्या, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के क्रोध आता है। क्रोध का कारण यही है कि हम दुनिया को सुधारने को निकले हैं, जिस दुनिया को बनाने वाला स्वयं फेल हो गया, पछता रहा है वो, उसने मुझे बताया, पता नहीं मैंने क्यों दुनिया बनाई। ये माँ बाप लोग नहीं पछताते क्या, देखो मुझे अभी रिसेंटली कोई एक अम्मा मिली, तो ऐसे ही कभी कभी मैं पूछता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों पूछा,
कैसा है घर में सब, बीवी बच्चे सास ससुर सब ठीक ठाक है? स्वामी जी मुझे कोई बच्चे नहीं है। हमने कहा बड़ी भाग्यवान हो। देखो मनुष्य को दो कारणों से दुख होता है, एक होने का दूसरा नहीं होने का। जिनके पास पैसे नहीं है वो दुखी है, जिनके पास है मोदी को कर्ज कर रहे। देखो महाराज, इसीलिए अपने ज्ञान का आदर करें तो क्या होगा? ध्यान, काम क्रोध लोभ इन तीनों का प्रभाव अपने पर कम होवे। अब काम को निपटाने की प्रक्रिया 24 घंटे में 24 घंटे चलानी है। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें। देखो इस आश्रम की ये बात हमको बहुत अच्छी लगती है, आज का भोजन बहुत अच्छा है, फिर अगला चक्कर आता ही नहीं, ये कम है वो कम है। अरे यार अभी तो आपने कहा था बहुत अच्छा है, ये मुंह है कि कूड़ा दान है? देखो यदि हम जो है वैसा उसको स्वीकार करें तो आपके मन से कामना का प्रभाव कम हो जाएगा। अब क्रोध के प्रभाव को कम करना है तो किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें। आपने देखा होगा अनेक बाबा जी होते हैं हमारे जैसे, कोई थोड़ा लेट आ गया तो उनको गुस्सा आता है, बीच में से कोई उठ के जाता है तो उसकी तरफ ऐसे देखते हैं कि इसको खा जाऊं मैं। देखो अब सत्संग में आने वाले बुढ़ाओ लोग, इनका बीपी बहुत भयानक होता है, ब्लैडर प्रेशर, और बेचारे एक हद तक रोक सकते हैं। कार्यम वा साधयामि शरीरम वा पातयामि, इसीलिए वो बेचारे उठ के गए बीच में, उसमें गुस्सा करने की क्या बात है? देखो क्योंकि गुस्सा करने से अपने ही मन की शांति नष्ट होती है। तो काम का त्याग करना है ये ज्ञान है, तो फिर उसको कैसे त्याग करना है इस पर चिंतन करें। फिर क्रोध का त्याग करना है, इसका त्याग करना माने उस पर चिंतन करें। फिर लोभ का त्याग करना है, देखो लोभ आदमी को कंट्रोल करना है ना, तो खाने से कंट्रोल करो। खाना खाते समय एक वस्तु आ गई, नहीं और नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, हाँ डाली दी, अच्छा रहने दो। देखो खाने पर कंट्रोल चाहिए। इसके लिए साधु संत लोग अनेक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट ये है कि एक बार जितना लिया फिर दूसरे बार सर्विस नहीं लेते, उसमें भी महाभाग एक ही बार इतना ले लेते कि खा नहीं सकते। देखो ये लोभ की जो प्रवृत्ति है वो खाने से शुरू होती है। देखो योगाभ्यास का एक लक्षण है कि जो कम खाता है उसका पेशाब टट्टी कम होता है, उसकी नींद कम होती है, उसमें आलस कम आता है। ये सब का सब बढ़ने का कारण मध्य प्रदेश भारी है। खूब डट के खाना खाओ आप, गले तक के, नाक तक के, गले तक के नहीं। और किसी ने पूछा खाना खाया कैसा था? अरे बोलते क्यों नहीं, क्या खाया? अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो फट से मुंह खोला, जलेबी निकाली, दिखाई कर रख दी। इतना लोभ शुरू हो जाता है खाने से। देखो योग शास्त्र का नियम है, केवल योगा करने से योग शास्त्र नहीं होता। एक आसन किया, दूसरा आसन किया, प्राणायाम किया, नहीं। भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जीवन में
मॉडरेशन होना चाहिए। देखो तो खाने के बारे में योग शास्त्र बताता है जितना खा सकते हो उससे आधा खाना, समझो 10 चपाती खा सकते हो तो 5 खाना, और पेट में भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए, नहीं तो वो जो अग्नि है वो बुझ जाती है। जितने भी कॉन्स्टिपेशन या पेट के विकार हैं वो इसी के कारण होते हैं। जैसे आप अग्नि कुंड में इतनी सामग्री डाल दी कि अग्नि बुझ गया तो धुआं निकलेगा ना, उस धुएं को कहते हैं डकार, ओंकार नहीं है वो, डकार माने डाइजेशन का कार, डकार। तो आधा खाना खाए, फिर 1/4 पानी पिए, और 1/4 भाग जो है वो वेंटिलेशन के लिए खुला छोड़ दें। देखो यदि आपको कोई दवाई मिलानी हो एक आध बोतल में डाल करके हिला करके, और आपने उसको पूरा भर दिया हो एकदम, कैसे मिलाओगे, जगह नहीं मिलने के लिए। इसी प्रकार से पेट में ये सब चक्की चल रही है और घूमने को जगह ही नहीं, टाइट है। तो काम क्रोध लोभ ये हमारे जीवन में नरक के दरवाजे हैं, इनका त्याग कर दें। और धीरे 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 जब हम अपने ज्ञान का आदर करना सीखेंगे तब आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। अब इस आत्मविश्वास को लेकर के हम निर्णय ले लें, या बैठ लिए हैं ना, अब हम प्रसन्न हैं, कोई कंप्लेंट नहीं, हमारे हृदय में हमारे इष्ट देव और गुरु महाराज विराजमान हैं। इष्ट देव की हृदय में उपलब्धि माने भय का निराकरण, अब हमको कोई भय नहीं, और गुरु की हृदय में उपलब्धि का तात्पर्य आगे क्या करना है पूछने की आवश्यकता नहीं, आपको आपके अंदर से ही मार्गदर्शन होगा। फिर हम अपने भूतकाल को दफना दें, माने इस समय हमारा कोई भूतकाल नहीं, हम नोबडी है, कोई भी व्यक्तित्व नहीं, भूतकाल केवल देह का होता है, अपना नहीं होता। हम में भूत वर्तमान भविष्य ये भेद नहीं है, देह को लेकर ही ये सब चल रहा है। फिर ध्यान के बाद क्या करेंगे इसका कोई संकल्प ना लें, भूत भविष्य
रहित अनुभूति मन का चैतन्यीकरण करने की पहली स्टेप चैतन्य में काल भेद नहीं है, यदि हम वास्तविकता से नोबडी और भविष्य का प्लानिंग इन दो को त्याग देते हैं तो वर्तमान में एक भी वृत्ति नहीं उठेगी। होना अपना स्वरूप है, कुछ बनना ये हमारा स्वभाव है। स्वभाव को जीत करके स्वरूप को प्रकट होने देना इस अभ्यास को ध्यान का अभ्यास कहते हैं। और यह ध्यान देने की प्रक्रिया 24 घंटे में 24 घंटे जारी रखनी पड़ती है। एकदम तो 24 घंटे नहीं होगा, तो थोड़े थोड़े डोज दिन में कम से कम दो बार सुबह कुछ बनने के पहले एक अभ्यास हो जाए। क्योंकि नींद में हम नोबडी थे, उसी नोबडी को एक्सटेंड करना है, लेकिन सोना नहीं। केवल सावधान रहना है,
इस समय कई जगह में बताते हैं कि अपना जप करो या सांसों को देखो, ये करने से मन बना रहता है। हमको मन को चैतन्य में डिसॉल्व करना है। तो केवल सावधान, यदि मंत्र का जप करेंगे तो मन पैदा होगा, मन पैदा होगा तो देह के साथ तादात्म्य होगा, देह के साथ तादात्म्य होगा तो एक व्यक्तित्व का निर्माण होगा, और व्यक्तित्व के निर्माण के साथ संसार प्रारंभ होगा। ध्यान के समय जप करने से मन बना रहता है, और मन में एक वृत्तियों की धारा निर्माण हो जाती है।
और यह जो धारा है, जो मोमेंटम है, ये मन को चैतन्य में मिलने से रोकता है। जैसे नदी समुद्र के तरफ दौड़ती है, क्योंकि जहाँ वो है वहाँ समुद्र नहीं है, लेकिन जहाँ मन है वही चैतन्य है। कहीं देश काल में बदलना नहीं, इसी तरह सांसों को देखने का जब हम अभ्यास करते हैं तो द्वैत की निवृत्ति कभी नहीं होगी। पुराने संस्कारों के कारण वृत्तियां तो आएगी ही, तब उनके प्रति साक्षी भाव नहीं, उदासीन रहे। साक्षी भाव में हम द्वैत को स्वीकार करते हैं और हम उसके द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे हैं, ये प्रयत्न करते हैं। उदासीनता में अन्य के प्रतीति के तरफ हमको ना राग है ना द्वेष है। विचार आए तो परेशानी नहीं, नहीं आए तो खुशी नहीं। केवल अपने
होने का जो भान है वो अखंड है। इसमें कोई विशेषता नहीं, यह निर्विशेष भान, यही अपना स्वरूप है। इसमें कोई प्रयत्न नहीं है, ध्याता रहित ध्यान परमात्मा है। क्योंकि प्रयत्न नहीं तो प्रयत्न करने वाला भी नहीं, प्रयत्न शैथिल्य ही अनंत समापत्ति है। जहाँ प्रयत्न है वहाँ अपूर्णता है।
धीरे धीरे सांस डीप करिए, देखो कैसे सहजता से शरीर स्थिर हो जाता है, निश्चल हो जाता है। सांस जितनी हल्की और धीमी चलेगी उतना मन शांत रहता है और शांत मन देह भाव को त्याग देता है। हाथ पैर की उंगलियों को हिला लो, सबका सब प्रभु चरणों में अर्पण कर दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।